हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स जो लोग पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने चाहते हैं, अगर आप लोगों ने आपको सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें से आपने चेक कर लिया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला कौन सा नहीं मिला, ठीक है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊँगा इसके बाद क्या करना है, ठीक है। आप लोगों को तो लिस्ट तो जारी कर दिया है, अब आपको करना है डाउनलोड। क्या डाउनलोड करना है? सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड इसलिए करना होता है क्योंकि सीट अलॉटमेंट लेटर में पूरा डिटेल पता रहता है कि कौन सा कॉलेज मिला है, वो कॉलेज का नोडल ऑफिसर क्या है, फिर उनका फ़ोन नंबर रहता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सब कुछ इसमें मेंशन रहता है, और वो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट करवा के आपको कॉलेज ले जाना होता है, ठीक है। तो देखिए, तो आपको मैं बताऊँगा सीट अलॉटमेंट लेटर कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, है ना, क्योंकि अभी तक सीट अलॉटमेंट लेटर का अभी तक प्रोसेस चालू हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक वीडियो बता देता हूँ, मतलब डेमो टाइप का बता देता हूँ कि आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको JCC बोर्ड का वेबसाइट में आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, है कि नहीं। जब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन पॉलिटेक्निक 2021, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा होगा जहाँ आपको साइन इन का ऑप्शन में क्लिक करना होगा, ठीक है। साइन इन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा और पासवर्ड आपको तो याद होगा, जब आपने चॉइस फिलिंग किया था आपके ईमेल आईडी में एक पासवर्ड आया होगा, है ना। तो वो पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा जहाँ पर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा। एक प्रीव्यू फॉर्म आपको अभी दिख रहा होगा, प्रीव्यू फॉर्म के साथ साथ यहाँ पे लिखा रहेगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का, और एक ऑप्शन दिखेगा जो कि अभी नहीं दिख रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है, ओके। जब चालू होगा मैं वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर दूंगा, या तो मैं अपना चैनल के कम्युनिटी टैब में ये कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा कि आप लोग का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, ओके। अभी तक तो आया नहीं है, और जब आएगा तो यहाँ पर दिखा जाएगा कि डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। वहाँ यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन रहेगा, तो आप उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट करना होगा 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ पेमेंट करने के बाद ही आप जाकर डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, ओके। ये आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि मैं ITI का मैं दिखा रहा हूँ, पूरे सेम प्रोसेस सेम सीट अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को भी आएगा, ठीक है, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, आधार नंबर सब कुछ इसमें मेंशन रहेगा, ओके। यहाँ आपका फोटो रहेगा, यहाँ पे आपका कितना CML रहेंगे, कितना कैटेगरी रहेंगे, सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा। और यहाँ पे आपको दिखा करंट सीट अलॉटमेंट लेटर स्टेटस, ठीक है, जहाँ पे आपका कॉलेज का नाम रहेगा, कौन सा ट्रेड मिला है वो मेंशन रहेगा, फिर आपका एडमिशन नोडल ऑफिसर जिनका नाम है उनका मेंशन रहेगा, वो कॉलेज का, वहाँ का फ़ोन नंबर मेंशन रहेगा, और वहाँ का ईमेल आईडी सब कुछ इसमें मेंशन रहेगा, ओके। तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ओके। ये पहला वाला आपको आप जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो लोग एडमिशन लेंगे, जिन लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो ये सब ऐसे ऐसे मेंशन रहेगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा कि आप लोग एडमिशन्स करवा लीजिएगा 18 तारीख तक, आप लोग ऐसा यहाँ पे मेंशन रहेगा, ओके। 18 तारीख तक जो भी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना होगा, और वहाँ जाके सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, और फीस भी दे दीजिएगा, ओके। तो 18 तारीख तक आप लोग का लास्ट डेट है, और अगर आप लोग सोच रहे कि डेट एक्सटेंड होगा, तो नहीं, डेट एक्सटेंड नहीं होगा। 18 तारीख बोला है, तो 18 तारीख को आप लोग का लास्ट डेट रहेगा आप लोगों का एडमिशन के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। मैंने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया चुका, मैंने बताया है मैंने वीडियो में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया वही सब आपको इंपॉर्टेंट आपको ले जाना ही होगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर के बारे में आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और JCC से रिलेटेड कुछ अपडेट आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।